हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे, कहानी का एपिसोड नंबर 11। अपना सिर पकड़ते हुए शालिनी उठी तो उसका सिर मानो दर्द से फट रहा था। अधखुली आंखों से ही वो सब देखकर याद करने की कोशिश करने लगी। बीती रात की हल्की यादें उसके दिमाग में चल रही थी। बाहर धूप देखकर वो एकदम से उठ बैठी। खुद को देखकर उसको एहसास हुआ कि उसके ऊपर सिर्फ ब्लैंकेट है। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी नज़र बेड के एक कोने में गई जहाँ उसकी साड़ी और बाकी कपड़े रखे थे। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए शालिनी ने अपने कपड़े सही किए और लड़खड़ाते हुए कमरे की बालकनी तक आई। अपना सिर पकड़ते हुए वो दर्द से बोली, हे भगवान, इतना सर दर्द, ऐसा लग रहा है कि मानो सिर फट ही जाएगा। पूरे कमरे को देखकर उसके जहन में रात की बीती हर याद ताज़ा होने लगी। उसके हाथ पाँव मानो सुन पड़ गए। शरीर में इतना दर्द था कि मानो शरीर का हर हिस्सा टूट रहा हो। जैसे जैसे रात की हर याद जहन में आ रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपना फ़ोन ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र बेड के पास रखे टेबल पर गई। अपना फ़ोन वहाँ देखकर उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। टाइम देखा तो लगभग 11 बजने वाले थे। मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला था। उसने जल्दी से श्रुति को कॉल लगा दिया। श्रुति सामने से कॉल उठाती उससे पहले मोबाइल बंद हो गया। वो झुंझला गई और बेड पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र नोटपैड पर फड़फड़ाते पेपर पर गई। उसे जाकर शालिनी ने उठाया। जैसे जैसे वो पढ़ने लगी, आँखों से बिना रुके आंसू बहने लगे। धम से वो बेड पर बैठ गई। पीयूष के साथ बिताया लगभग हर पल उसकी आंखों के सामने किसी रेल की तरह घूमने लगा। अगले ही पल अपने आंसुओं को पोंछकर वो बाथरूम की ओर बढ़ गई। अपने चेहरे को शावर से गिरते ठंडे पानी में धोने के बाद उसका सिर कुछ हल्का हुआ। वो बाहर आई। उसकी हरी आंखों में फैली लालिमा ठंडे पानी से मुंह धोने से साफ दिखाई देने लगी थी। एक बार फिर उसने खुद को आईने में देखा तो कंधे और गर्दन पर बने निशान काफी कुछ बयां कर गए। अपने बालों को खोलकर दोनों तरफ करते हुए वो पलट गई और लेटर उठाया और एक बार फिर पढ़ने लगी। शालिनी, उम्मीद है अब तक तुम्हारा नशा उतर गया होगा या कम हो गया होगा। नहीं हुआ तो नींबू पानी मंगवा कर पी लेना। और हाँ, रही बात वो सब जो हमारे बीच हुआ, वो तुम भूल जाओ। अब हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रहा। नहीं मतलब नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, और जो भी थी वो कल रात के बाद ही खत्म हो गई है। मैंने श्रुति को कह दिया था, उसने तुम्हारे घर पर कहा है कि तुम उसके साथ रात भर थी। अब ज़्यादा ना सोच करके घर जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। शालिनी ने वो लेटर मोड़ा और अपने पर्स में रख लिया। एक लंबी सांस लेकर वो वहाँ से निकल गई। यहाँ अपने कमरे में अपने गुस्से को पंचिंग बैग पर पीयूष लगातार उतार रहा था। उसके हाथों पर बंधी पट्टियों में से खून रिसने लगा था, मगर उसे कोई होश नहीं था। पसीने से तरबतर लगातार बिना रुके वो पंचिंग बैग पर मुक्के बरसा रहा था। शायद जो खुशी मन में होनी चाहिए थी वो उससे नहीं हो रही थी। बाल पसीने की वजह से माथे और गर्दन पर चिपक गए थे। आखिर वो वहीं बेड पर बैठ गया और बोलने लगा, क्यों आखिर वो सुकून नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। बर्बाद कर दिया मैंने शालिनी को, तोड़ कर रख दिया उसे, हर तरीके से ले लिया अपना बदला। उसके बावजूद क्यों मुझे शांति नहीं मिल रही है, क्यों लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। इधर शालिनी घर पहुंची तो मोहन जी परेशान से यहाँ वहाँ चहलकदमी कर रहे थे। उसे लगा था अब तक उसके पापा ऑफिस चले गए होंगे, मगर वो तो उसका ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शालिनी को दरवाजे से आते देखा तो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ गए। शालू बेटा, तुम ठीक हो? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और श्रुति ने आपको बताया था ना कि मैं उसके घर हूँ? शालिनी ने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बोला तो था, मगर एक पिता हूँ ना, मन घबराता है मेरा अगर बेटी समय से घर नहीं आए तो। उनकी बात सुनकर बड़ी मुश्किल से खुद को काबू करते हुए वो बोली, पापा वो बहुत थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ? अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गया, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारी चाय बनाकर लाता हूँ। शालिनी मुस्कुराकर चली गई। अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके वो दरवाजे से ही टिक कर बैठ गई। ना जाने कितनी ही देर तक बिना आवाज़ किए रोने के बाद अपने आंसू पोंछकर वो उठी, अपने कपड़े कबर्ड से निकाले और बाथरूम में चली गई। वो बाहर आती है तो बंद गले का कुर्ता और पजामा पहने उसने अपने गीले बालों को पोंछा। उसकी हरी आंखों में मासूमियत की जगह उदासी ने ले ली थी। वो इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि क्या सच में वो पीयूष को या उन एहसासों को भूल सकती है। जितनी आसानी से पीयूष ने वो बातें लेटर में लिख दी, क्या सच में ऐसा हो सकता था? वो ऐसे ही खोई रहती अगर मोहन जी उसे आवाज़ नहीं देते। शालू कहाँ खोई हो? उसकी बात सुनकर शालिनी को एहसास हुआ कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है और बोलती है, कहीं भी नहीं पापा। मोहन जी ने चाय एक तरफ रखी और उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या जिसकी वजह से तुम परेशान हो? अपने पापा को नहीं बताओगी?
उनकी बात सुनकर शालिनी उन्हें देखने लगी, जिनके चेहरे पर शालिनी के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके पापा, जिन्होंने बचपन से शालिनी को इतना प्यार दिया कि उसे कभी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो, उसके हर दर्द पर उससे ज्यादा परेशान होने वाले अपने पापा को देख उसका मन एक अजीब से गिल्ट से भर गया। उसे लग रहा था कि जैसे वो ये बातें उनसे छुपाकर बहुत गलत कर रही थी। मोहन जी ने उसे प्यार से पुकारा तो वो एक छोटे बच्चे की तरह उनसे लिपट गई। मोहन जी उसके ऐसे गले लगने से उसे प्यार से गले लगा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अपना शर्ट गीला महसूस होता है तो वो शालिनी का सिर सहलाते हुए हैरत से बोले, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो शालू, कोई बात है क्या, मुझे बताओ। उनके गले लगे हुए सुबकते हुए वो उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बताने के बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वहीं सारी बात सुनकर मोहन जी को गुस्सा तो बहुत आता है, पीयूष पर भी और शालिनी पर भी, मगर उस समय शालिनी की हालत देखकर वो बस उसे शांत कराने की कोशिश करने लगे। आई एम सो सॉरी पापा, मैं नशे में थी, पता नहीं कैसे सब हो गया, मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया पापा, शालिनी एक बार फिर रोते हुए कहती है। तो मोहन जी अपनी बेटी को देखने लगते हैं, जो सुबह तक इतनी खुश थी और अब जो उसकी खुशियों की वजह था वही उसे दर्द देकर बैठा था। बड़ी मुश्किल से शांत कराकर उसे थपकी देकर सुलाने के बाद मोहन जी बाहर निकलने लगे तो उनकी नजर उस ठंडी चाय पर गई। उसे उठाकर वो दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गए। पीयूष को जब सुकून नहीं मिला तो वो अपने कबर्ड की दराजों में कुछ ढूंढने लगा। बहुत देर तक उसे वो चीज नहीं मिली तो उसने दराज को गुस्से में अपने कबर्ड से बाहर निकाल फेंका। अपने बेटे के कमरे से इतना शोर सुनकर निरंजन जी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से पीयूष ने गहरी सांस छोड़ी और बिना दरवाजा खोले बोला, गलती से सामान गिर गया था डैड। हाँ तो आराम से करो ना, जो करना है, इतनी जल्दी किस बात की है। ठीक है, ट्राई करूंगा। पीयूष के बोलने पर वो सिर हिलाकर चले गए। पीयूष ने अपना मोबाइल निकाला और मयंक को कॉल लगा दिया। ये क्या नई लत लग गई तुझको, मयंक ने उसे घूरते हुए कहा। तो पीयूष ने कुछ नहीं कहा और सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ने लगा। मयंक ने सिर हिला दिया। इस समय वो मयंक के घर पर था और हॉल में खड़ा सिगरेट के कश पर कश लगाया जा रहा था। मयंक पूछ पूछ कर थक गया था, मगर पीयूष ने कुछ जवाब नहीं दिया था। आखिर थक कर मयंक ने भी उससे पूछना छोड़ दिया। उसके घर पर इस समय सिर्फ वही था। उसके पापा सिगरेट पीते थे मगर कभी कभी। पीयूष ने जब उससे कॉल करके पूछा कि उसके घर पर सिगरेट है तो मयंक ने हाँ बोल दिया। उसे क्या पता था कि सिगरेट लेने वो उसके घर पर आ धमकेगा। मोहन जी गहरी सोच में खोए थे। उन्होंने अपना फोन उठाया और श्रुति को कॉल लगा दिया। श्रुति जो शालिनी के लिए परेशान थी, उसके मोबाइल पर जब मोहन जी का कॉल आया तो उसने झट से कॉल पिक कर लिया। हेलो श्रुति। हेलो अंकल, शालिनी घर पहुंच गई ना? हाँ, अभी कुछ देर पहले आई वो। वैसे तुम्हारा भाई पीयूष है क्या? पीयूष के बारे में जब उन्होंने पूछा तो श्रुति हल्का सा झिझकते हुए बोली, नहीं अंकल वो तो नहीं है। क्यों, कोई बात है क्या, शालू ठीक है ना? उसके पूछने पर मोहन जी ने सारी बात बता दी और आखिर में बोले, पीयूष ओबेरॉय की वजह से मेरी बेटी आज रोई है श्रुति। खैर शाम को हो सके तो उससे मिलने आ जाना, शालू का मन हल्का हो जाएगा। उन्होंने कहते हुए कॉल रख दिया। वहीं श्रुति अब भी सकते में थी। इतना सब हो गया और उसे ना शालिनी ने ना पीयूष ने किसी ने खबर नहीं लगने दी। उसने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। हेलमेट पहनते हुए उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए और स्कूटी को स्टार्ट कर दिया। क्या करेगी श्रुति, पीयूष को होगा एहसास, क्या करेगी शालिनी? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।